थंबनेल में देखा बंद। अब इस बंद के बहुत सारे मतलब है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी ने हमारे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन किया था, उसका आंसर जो है काफी लोगों को जानना था, इस वजह से मैं इस वीडियो में उसको कवर कर रहा हूं। बहुत जरूरी आप लोगों के लिए सुनना और समझना। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पहले जो कंपनी हमारी यूके लंदन में थी, उसके बाद ये यूएसए में आई है, क्योंकि यूके लंदन का कुछ हुआ था कि कुछ मतलब वहां की जो टेरिटरी है उससे कुछ बाहर या कुछ कह लीजिए ऐसी गतिविधियां थी कि वो वहां पर इस चीज को एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, या हमारा यूके लंदन में यदि हमारी कंपनी होती तो जो शेयर्स होते वो बहुत ही कम लोगों को मिलते। लेकिन जब ये यूएसए में शिफ्ट हुआ है, यूएसए में आने के बाद यहाँ पर अनलिमिटेड लोगों को शेयर जा भी रहा है, लोग ले भी रहे हैं पैकेज के माध्यम से, और यूएसए डेलावेयर में हमारा जो कंपनी का पूरा डिटेल है वो ट्रांसफर हो चुका है। तो यहाँ पर भी काफी जो है एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग कह लीजिए, एलएलसी कंपनी कह लीजिए, यहाँ पर इनका ज्यादा चलन है, और यहाँ के माध्यम से ज्यादा लोगों को कंपनी जो है अपना फ्यूचर शेयर दे पाएगी। तो काफी कुछ बदलाव आया है। तो अभी क्या है कि देखिए, अभी हम लोग फ्यूचर शेयर को यूरो से काउंट कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि यूरो वहां की करेंसी है, तो अब हमारी जो कंपनी है वो यूएसए में शिफ्ट हो गई, तो मतलब कि ये यूएसए डॉलर जो चलता है, डॉलर करेंसी यूएसए की, तो वहां के हिसाब से आपको जो है शेयर की भी वैल्यू आगे काउंटिंग होने वाली है। तो ये बिल्कुल श्योर है, क्योंकि भाई कंपनी जब इधर शिफ्ट हो गई तो वहां की जो करेंसी होगी उसके हिसाब से आपको लेन देन होगा आगे चल के, ये कंपनी ही कंफर्म करेगी। लेकिन आपको बता दूं, मान लीजिए आपके पास 1,000 मूल्य के पहले यूरो थे, अब 1,000 मूल्य के वो यूएसडी में कन्वर्ट, मतलब 1,000 यूरो के यूएसडी हो जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले बता दूं, यूरो के अमाउंट में और यूएसडी के अमाउंट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक यूएसडी जो है वो आपको अप्रोक्सीमेट 80 से 82 रुपए का या 79 रुपीज का पड़ता है, और यदि आप, मैं यूएसडी का मैंने बताया कि 79-80 का पड़ता है, और यूरो का अगर आप करते हैं तो यूरो का आप देखेंगे तो 81 रुपीज के आसपास समथिंग ये पड़ेगा, मतलब ज्यादा नहीं, 2 सवा 2, 1 रुपए 90 पैसे इतने का अंतर होता है दोनों करेंसी में। तो हम यहां पर अगर बात करते हैं, तो हम यदि यहां पर बात करते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल 1,000 यूरो के आपके पास फ्यूचर शेयर हैं, तो वो जब यहाँ पर यूएसए में कन्वर्ट होगा तो 1 यूरो की वैल्यू, मतलब एक फ्यूचर शेयर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट $1 से काउंट होती है। तो आप सोच के देखिए कि जब ये लिस्टेड हो जाएगा, जब ये लिस्टिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर एक फ्यूचर शेयर की वैल्यू जो है $1 से बढ़ के $9, $5, $10 और उससे आगे जा सकती है। लेकिन ये होगा कब, बढ़ेगा कब, जब हमारा जो ये फ्यूचर शेयर है लिस्टिंग हो जाएगा, लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसमें तेजी से ग्रोथ मिलने वाली है। देखिए, कंपनी अपने लेवल पे फ्यूचर शेयर का जो बायबैक 2 प्रोग्राम लेके आई है वो कंपनी कर रही है। जैसे ही यहाँ पर बायबैक 2 0.45 तक रेट पहुंच जाएगा FS2 का, यानी फ्यूचर शेयर 2 का, तो बायबैक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर कंपनी ने लिमिटेशंस लगाएगी कि लोग कम से कम अपना बायबैक, यानी कम से कम कुछ परसेंटेज ही सेल कर पाएंगे, क्योंकि देखिए स्टार्टअप कंपनियां हैं, तो कोई भी नई कंपनी नहीं चाहेगी कि एकदम से उसके शेयर जो है बिकना, मतलब बिकने के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि जल्दी बिकेंगे तो उतना रेट उसका डाउन होता है, आप सभी को पता है। इसको स्टेबल करने के लिए होल्डिंग ज्यादा जरूरी है लंबे समय के लिए, और उसके बाद ही इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो लिस्टिंग होने की प्रोसेस के बाद आप सभी को पता है कि इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। मान लो मोटा मोटी हम बात करते हैं, $1,000 1,000 यूरो हम अभी बोलते हैं क्योंकि आगे कन्वर्ट होगा डॉलर में, तो हम कहते हैं 1,000 यूरो के अगर आपके पास अभी पड़े हुए हैं, तो हम डॉलर में अगर बात करें तो 1,000 फ्यूचर शेयर आपके होते हैं, और जब इनकी रेट बढ़ते हैं, हम मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का एक आंकड़ा लेके चलते हैं कि $10 का एक फ्यूचर शेयर अगर हो जाता है आने वाले समय में, तो सीधा सीधा $1,000 का आपका जो है $10,000 की वैल्यू के आपके फ्यूचर शेयर आपके हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है, लोगों के पास कई हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने काफी वाउचर परचेस किए, काफी पैकेजेस लिए, उनके पास काफी मात्रा में जो है फ्यूचर शेयर पड़ा हुआ। और अभी रिसेंटली जो है कि जितने भी अभी पैकेज आए हैं न्यू एरा 2 के, वहां पर क्या हो रहा है कि लोगों ने जो खरीदे हैं उसमें FS2 की वैल्यू जो भी करंट रेट चल रहा है उस पर उनको मिल रही है, और वो बायबैक के जब बायबैक शुरू होगा तो उसमें वो फ्यूचर शेयर की वैल्यू 2 यूरो से काउंट होगी। देखिए, दोनों चीजें अंतर आ गया, हमने पुराने पहले जो FS बनते थे वो 1 यूरो से काउंट होंगे और नए वाले 2 यूरो से काउंट होंगे। तो जब ये इस तरीके से कंपनी अभी इसका पूरा कैलकुलेशन करेगी, लेकिन मिलना अभी यूरो में मिलेगा या डॉलर में मिलेगा ये कंपनी ही कंफर्म करेगी। लेकिन इतना तो श्योर है कि आपके जब यूएसए में कंपनी शिफ्ट हो गई, तो सारा ट्रांजेक्शन लेन देन हो सकता है आगे यूएसए डॉलर के हिसाब से ही हो।
तो सारी चीजें ही मैंने आपको क्लियर कर दी है। यदि आपके पास 1,000 यूरो के फ्यूचर शेयर है तो उनकी वैल्यू 1,000 मान के चलिए यूएसडी के हिसाब से, आने वाले समय में $10 $20 जितना उसका रेट बढ़ेगा उतने उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक मोटा मोटा अनुमान है, लेकिन फ्यूचर शेयर आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा एक भूचाल लेके आने वाले समय में बहुत बड़ी आपको उपलब्धि देने वाले, तो इसके लिए कोई अंदाजा फिक्स करके नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ अंदाजे से ही बताया जा सकता है कि अप्रोक्सीमेट इतना हो सकता है, $20 $50 $100 तक का रेट चला जाए एक फ्यूचर शेयर का। तो आने वाले समय में सारी चीजें आपको देखने जानने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं थंबनेल में हमने लिखा बंद। तो देखिए बंद का मतलब मैं आपको बता दूं कि क्या है। बंद का मतलब यह है कि अब काफी लोगों की हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, जितने पॉजिटिव लोग हैं लाइफ स्टाइल के, उन्होंने काफी लोगों की अब बोलती बंद कर दी है। यानी कि काफी लोगों के नेगेटिव जो वीडियोस थे उनकी, उनको डिसलाइक करके, उनको जो है रिपोर्ट कर करके, उनको इतना परेशान कर दिया कि अब वो उनको अपने वीडियो डालने उन्होंने बंद कर दिए। तो पहला रीजन तो ये बंद का हो गया। दूसरा बंद इसलिए मैंने कहा है क्योंकि अब जो धीरे धीरे करके जैसे कंपनी आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे यहाँ पर एलेक्स सर का जैसे अनाउंस किया था उन्होंने कि हम पहले इवेंट करेंगे, मलेशिया से शुरुआत करेंगे, हम इवेंट करेंगे, ये सारी चीजें, और जैसे भी आपने देखा फ्यूचर शेयर 2 का 0.43 तक आ जाना, 42 तक आ जाना, तो यहाँ से भी अब जो ऐसे लोग हैं जो कमेंट नहीं करते कैलरी जी है, या नेगेटिव वीडियो नहीं डालते, या नॉर्मली वो नेगेटिव है, तो उनकी बोलती भी बंद कर दी। कई लोग ऐसे थे जो कि बीच में बहुत ज्यादा मीटिंग्स में भी जैसे उल्टा सीधा बोलना या कुछ ऐसे शब्द यूज करना जिसकी वजह से सभी लोगों को परेशानी होती थी, उन लोगों की भी बोलती अब बंद हो चुकी है। तो बंद का यही कारण है कि अब काफी कुछ चीजें बंद हो गई है। नेगेटिव बहुत ज्यादा पहले प्रमोशंस होते थे वो बंद हो चुके हैं, नेगेटिव प्रमोशंस बंद हो चुके हैं, काफी कुछ हद तक अब पॉजिटिविटी आ रही है। बस हम सभी को पता है कि यहाँ लेट हो रहा है, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। लेकिन अब फिलहाल यह है कि कुछ समय का वेट और है। अब कंपनी न्यूज़ लेटर देगी, जब भी देती है न्यूज़ लेटर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का पता चलने वाला है। जाका की तरफ से कह लीजिए, ईहा की तरफ से कह लीजिए, अब आने वाले समय में अच्छी अच्छी न्यूज़ें आएंगी जरूर, क्योंकि काफ़ी जो हम मेल करते हैं कंपनी को वहाँ के थ्रू पता चलता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं और आप लोगों के लिए हो रही हैं, और उसका जल्दी न्यूज़ लेटर में बताया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, सब कुछ काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर है, तो हर चीज के लिए थोड़ा यहां समय लग रहा है। तो यहां पर कोई भी किसी चीज की डेट यदि आपको फिक्स बताता है तो वो गलत है, जब तक न्यूज़लेटर में वो अनाउंसमेंट ना हो जाए। कई बार आपने हमने देखा कि न्यूज़लेटर में बताया जाता है 2 हफ्ते, वो 5-5 हफ्ते तक पता ही नहीं होता। कई बार बताया जाता है कि नेक्स्ट वीक तक हमारे न्यूज लेटर आ जाएगा, तो नेक्स्ट वीक का 1 महीना हो जाता है, ये चीज भी होती है। तो ये स्टार्टअप कंपनियों में ये होता है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनियों में कोई भी काम फिक्स करके नहीं किया जाता, काम प्रोसेस में चलता रहता है। यदि कोई चीज लेट लतीफ होती है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि कंपनी स्टार्टअप में है और बहुत इंप्लीमेंट के लिए कंपनी अपने पास अधिकार रखती है, लेट का हो या चाहे किसी भी प्रकार की करेक्शन करने का हो या कोई भी सुधार करने का हो, ये कंपनी के पास अपने राइट्स होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।